हेलो फ्रेंड्स, जेई एडवांस्ड का एग्जाम नजदीक आ रहा है और आपके एग्जाम प्रिपरेशन में मदद करने के लिए मैं फिजिक्स का जेई एडवांस का टेस्ट सीरीज लाया हूं। इस टेस्ट सीरीज में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व करिए और बहुत ही जल्दी मैं इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वीडियो को पोस्ट करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है, एन एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल रनवे विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड क्लाइंबिंग एट अ कांस्टेंट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल। A car is moving on the runway with constant speed 10 meter per second directly towards the front of the aircraft. The car is at distance 1 kilometer at the instant of takeoff. Find the distance of the closest approach of the car and the aircraft. तो इस क्वेश्चन में आपसे एयरक्राफ्ट और कार के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा, वो पूछा गया है। और डिलिबरेटली इन सारे क्वेश्चंस में मैंने कोई भी ऑप्शंस नहीं दिए हैं ताकि आप कोई भी ट्रिक जो मेथड ऑफ एलिमिनेशन होता है या रैंडम लोग गेस करते हैं वो सब ना करें। आप इसको करेक्ट मेथड से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों एक ही पैराग्राफ पे बेस्ड पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। इसमें एक फिगर दिया हुआ है। द फिगर शोज अ गियर अरेंजमेंट इन विच द इनर गियर G1 एंड आउटर गियर G1। इसमें बेसिकली तीन गियर हैं। एक तो पहला ये इनर गियर G1 है जिसका रेडियस 1 मीटर है। It rotates with omega 1, that is the angular velocity of this first gear is 4 radian per second. The outer gear G2 ये बाहर वाला है, उसका radius 3 meter है, it rotates with omega 2 is equal to 10 radian per second. In between the grip a gear G, इन दोनों inner और outer के बीच में एक third gear है, and in between the grip a gear G, whose center C moves on a circle of center O. और इस third gear का जो center है, ये भी obviously move करेगा, और क्योंकि ये फर्स्ट गियर और सेकंड गियर रोटेट कर रहा है तो ये अंदर वाला गियर भी रोटेट करेगा। और इस क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, कहीं पे कोई भी स्लिपिंग नहीं है। इस पैराग्राफ से तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, फाइंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ सी। ये जो सेंटर सी है बीच वाले गियर का, इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर जी, इस गियर की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। और थर्ड क्वेश्चन ये पूछा है कि इफ ओ एंड सी आर कनेक्टेड बाय अ रॉड पिवटेड एट ओ, जैसे O एंड C को मैं एक रॉड से कनेक्ट कर देता हूं और इसको O पे पिवट कर देता हूं, तो ऑब्वियसली ये रॉड जो है ये रोटेट करेगा क्योंकि ये गियर G भी रोटेट कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है, व्हाट वुड बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड। तो O और C के बीच में जो रॉड कनेक्ट होगा, इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो ये रोटेशनल मैकेनिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ हेवी यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 2a, ये इस रोप का लेंथ 2a है, इज पुट सिमेट्रिकली ऑन अ फिक्स्ड स्मूथ पुली। और ये पुली है, फिगर में इस पुली को मैंने बड़ा दिखा है लेकिन आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि इस पुली का डायमेंशन काफी छोटा है, ताकि ये रोप जो 2a है उसको जब मैं सिमेट्रिकली रख रहा हूँ तो इधर a है इधर a है, आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए कि ये पुली पे जो सेमी सर्कुलर वाला पोर्शन है ये बहुत ही छोटा है, आप उसको छोटा अज्यूम कर सकते हैं। तो ये इनिशियल दे रखा है कि इस रोप को मैंने इस पुली पे सिमेट्रिकली ऐसे रखा है। द रोप इज देन डिस्टर्ब स्लाइटली एंड इट बिगिंस टू स्लाइड ऑफ, और जब मैं इस रोप को डिस्टर्ब करूंगा तो ये ऑब्वियसली ये स्लाइड करेगा। आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रोप व्हेन वन एंड हैज फॉलन बाय एक्स। तो जब ये स्लिप करना स्टार्ट करेगा, तो जब एक एंड एक्स मीटर से या एक्स यूनिट से नीचे आएगा, उस पॉइंट पे इस रोप का स्पीड क्या होगा, आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें पैराग्राफ ये दे रखा है, अ बीड ऑफ मास m, कैपिटल m, कैन स्लाइड ऑन अ स्मूथ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर। तो ये हॉरिजॉन्टल वायर है जिसपे ये मास कैपिटल m का बीड यहाँ पे लगा हुआ है, एंड अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज अटैच टू द बीड बाई अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ये लेंथ l है और ये स्मॉल पार्टिकल m को हमने यहाँ पे अटैच कर रखा है। द पार्टिकल इज हेल्ड इन कॉन्टैक्ट विद द वायर विद द स्ट्रिंग टॉट एंड इज देन लेट फॉल। तो पहले इनिशियली इसको मैं हॉरिजॉन्टल रखता हूँ विद द वायर, इस स्ट्रिंग को, और फिर यहाँ से इसको छोड़ देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ मोशन होगा। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस बीड वुड ट्रेवल अलॉन्ग द वायर when the string makes angle pi by 6 with the wire, या along with the wire छूट गया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, find the distance bead would travel along the wire when the string makes angle pi by 6 with the wire।
इसी से रिलेटेड सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मास m व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एंगल पाई बाई 6 विद द वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ सर्कुलर डिस्क इज रिवॉल्विंग इन इट्स प्लेन अबाउट इट्स सेंटर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा वेलोसिटी से ये रिवॉल्व कर रहा है। What is the new angular velocity if a point on the rim is suddenly fixed? तो एक डिस्क जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अपने सेंटर के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से। ऑल ऑफ अ सडन आप क्या करते हैं कि उसका सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट है, रिम पे जो पॉइंट है, उसको आप फिक्स कर देते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि उसके बाद न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी उस डिस्क की। नेक्स्ट दो क्वेश्चन भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पैराग्राफ ये दे रखा है, अ स्क्वायर लैमिना ए बी सी डी ऑफ साइड 2A rests on a smooth horizontal plane. If the corner A is given a sharp impulse such that corner A is made to move with velocity u along the line BA produced. यहाँ पे corner A को मैंने एक impulse दिया ताकि ये इस direction में velocity u से move करने लगे। तो आपसे दो question पूछे गए हैं। पहला है, what is the initial angular velocity of the lamina? ये जो square lamina है उसका initial angular velocity क्या होगा? और सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड बाय द इम्पल्स टू द लैमिना। ये जो इम्पल्स हमने कॉर्नर ए को दिया उससे इस स्क्वायर लैमिना में कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड बाय द इम्पल्स टू द लैमिना। और लास्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर शोन अ रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल, ये रॉड ए बी है ऑफ लेंथ एल, slides with its ends on horizontal ground and the inclined wall. ये horizontal ground है, ये inclined wall है, इस पे rod AB जो है slide कर रहा है, end A जो है horizontal ground पे है, end B जो है वो इस inclined wall पे है, इसका inclination क्या है 60 degree है. The instantaneous speed of end A of the rod when it makes angle 30 degree with the ground is V towards left. जब ये angle 30 degree है तो इसका जो point A है इसका जो instantaneous speed है ये suppose V है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एट दिस इंस्टेंट। जब ये एंगल 30 डिग्री है तो उस पॉइंट पे इस रॉड ए बी की एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो ये टोटल 11 क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, सारे मैकेनिक्स के ही हैं, किसी में भी मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, सो दैट आप इस क्वेश्चन को करेक्ट मेथड से बिना किसी गेसवर्क के सॉल्व करें। और सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और विद इन अ वीक मैं इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो पोस्ट करने वाला हूं। थैंक यू।